टेलिंग टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस टिकटॉक के अंदर एक नया फीचर आया है जिसके जरिए आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को प्रो अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस अगर आप अपने अकाउंट को प्रो अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो तो गाइस इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है, आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, किस वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कि आपकी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर कितने व्यूज, लाइक्स, कमेंट, और क्या वो वीडियो वायरल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और उसकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिलने वाली है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने टिकटॉक के नॉर्मल अकाउंट को प्रो अकाउंट के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, और ये बिल्कुल फ्री। अगर आप टिकटॉक का यूज करते हो तो गाइस आपको इसको जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपको बेनिफिट देने वाला है बहुत ज्यादा। सो गाइस अगर आप टिकटॉक के प्रो अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने टिकटॉक के नॉर्मल अकाउंट को प्रो अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो तो गाइस यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनालिटिक्स का। सो गाइस इससे आप अपने टिकटॉक की वीडियोस के परफॉर्मेंस के बारे में जान पाओगे जो हर टिकटॉक यूज करने वालों को जरूर पता होनी चाहिए। सो गाइस सबसे पहले तो आपको करना ही है कि यहां पर आपको इस थ्री डॉट्स के ऊपर यानी कि सेटिंग्स के ऊपर टैप कर देना है। गाइस यहां पर आपकी प्राइवेसी एंड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो गाइस सबसे पहला ही ऑप्शन है यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैनेज माय अकाउंट, तो इसके ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है। गाइस यहां पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच टू प्रो अकाउंट, सो गाइस इसके ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है। और गाइस यहां पर आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है गेट ए टिकटॉक प्रो अकाउंट। ये अकाउंट बिल्कुल फ्री है और गाइस यहां पर आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे जिनके जरिए आप अपने टिकटॉक की वीडियोस के परफॉर्मेंस के बारे में जान पाओगे कि उनके ऊपर क्या परफॉर्मेंस है, वो कितनी ग्रो हो रही है। तो गाइस यहां पर आपने इस कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है और गाइस यहां पर आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। तो गाइस यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनालिटिक्स का। सो गाइस यहां पर भी आप अपनी वीडियोस के परफॉर्मेंस के बारे में जान पाओगे कि कौन सी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और यहां पर आप अपनी वीडियो के पूर्ण रूप से एनालिटिक्स जान पाओगे। तो गाइस यहां पर आपने इस कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है और गाइस इस कंटिन्यू के ऊपर टैप करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ कैटेगरी के ऑप्शन आ जाएंगे। तो गाइस आपका अकाउंट किस बारे में है तो यहां पर आपने उसको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहां पर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है तो गाइस यहां पर आपने इस पर्सनल अकाउंट के ऊपर टैप कर देना है। यानी कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई पब्लिक फिगर हो तो गाइस यहां पर आपने इस पब्लिक फिगर के ऊपर टैप कर देना है, या फिर अगर आपका ये पर्सनल अकाउंट है यानी कि आप एक नॉर्मल बंदे हो तो यहां पर आपने इस पर्सनल अकाउंट के ऊपर टैप कर देना है। साथ ही में गाइस यहां पर इसके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है एजुकेशन का। अगर आप टिकटॉक के ऊपर कुछ सिखाते हो या फिर जो आप वीडियो डालते हो वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो यहां पर आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। पर गाइस अगर आप डांसिंग की वीडियो बनाती हो तो यहां पर आपने इस डांसिंग के ऊपर टैप कर देना है, म्यूजिक के ऊपर टैप कर देना है, या फिर अगर आप कोई ब्यूटी या फैशन से टिप्स देते हो तो गाइस यहां पर आपने टैप कर देना है। अगर यहां पर कोई आप मेडिकल या हेल्थ वाली टिप देते हो तो यहां पर आपने इस कैटेगरी के ऊपर टैप कर देना है। और यहां पर आप कुछ आर्ट करते हो या फिर पेट्स, एनिमल, या फिर अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहां पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि गाइस मेरा है ये पर्सनल अकाउंट, तो गाइस मैंने इसके ऊपर टैप किया और यहां पर गाइस आपने इस डन के ऊपर टैप कर देना है। और गाइस बस यहां पर आपका काम यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और गाइस यहां पर आपका ये अकाउंट अब प्रो अकाउंट बन गया है। और गाइस यहां पर अभी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एनालिटिक्स का, तो गाइस इसके ऊपर टैप कर देना है। और गाइस यहां पर अब आपके सामने एक नया ऑप्शन आ गया है, ये है एनालिटिक्स, तो इसके ऊपर आपने एक बार टैप कर देना है। तो गाइस आप इसके ऊपर एक बार टैप करोगे तो गाइस यहां पर आपके सामने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट गाइस अगर आपने इस अकाउंट को अभी अभी बनाया है यानी कि अभी आपने इस प्रो अकाउंट को अभी क्रिएट किया जो इसके अंदर जो सारा डेटा है वो सभी अभी जीरो दिखाई देगा, इसके अंदर टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी आपने ये नया नया अकाउंट प्रो अकाउंट बनाया है। तो गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ओवरव्यू देखने को मिलेंगे। पर आप देख सकते हो यहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 7 दिनों में टोटल आपकी वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज आए हैं, या फिर आप यहां पर चेक कर सकते हो कि 28 डेज के अंदर आपकी वीडियोस के ऊपर कितने व्यूज आए हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो पिछले 7 दिन के अंदर कितने आए हैं या फिर 28 दिन के अंदर कितने आए हैं। गाइस यहां पर आपके सामने एक और ऑप्शन है प्रोफाइल व्यूज, यानी कि आपकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने देखा है पिछले 7 दिन में या फिर 28 दिन में। उसके बाद यहां पर आपके सामने एक और सेक्शन देखने को मिलता है, यह है कंटेंट, यानी कि आपने पिछले 7 दिनों में कितनी वीडियोस को अपलोड किया है वो सभी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि आपकी कितनी वीडियोस पिछले 7 दिनों के अंदर वायरल हुई हैं वो सभी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। के बाद गाइस यहां पर आपको एक और सेक्शन फॉलोअर्स का देखने को मिलता है, तो गाइस यहां पर आपके कितने जेंडर्स हैं यानी कि मेल फीमेल कितने परसेंट लोगों ने आपको यहां पर फॉलो कर रखा है। यहां पर अगर मेल ने ज्यादा फॉलो कर रखा है या फिर फीमेल ने ज्यादा फॉलो कर रखा है उसका यहां पर आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइस यहां पर कोई डेटा नहीं है क्योंकि इस अकाउंट को मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, इसका यहां पर डेटा कलेक्ट होने में टाइम लगेगा। यहां पर आपको ये सभी ऑप्शन इस एनालिटिक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको सारी चीजें
एक ही जगह के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। तो वैसे ये था टिकटॉक का एनालिटिक्स फीचर। आप अपने नॉर्मल अकाउंट को टिकटॉक प्रो अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप टिकटॉक का यूज करते हैं और रोज वीडियो बनाते हैं तो गाइस आपको ये कर ही लेना चाहिए। अगर आप इस नए फीचर के बारे में या फिर टिकटॉक के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।